हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसीज लेकर आया हूँ आप सभी कैंडिडेट के, के लिए रेलवे की तरफ से नई वैकेंसीज निकाली गई है आरआरबी टेक्निकल एसोसिएट पर यहाँ पर गाइस आप सभी कैंडिडेट के, के लिए टेक्निकल या फिर जे यानी कि जूनियर इंजीनियर मान सकते हो इसकी पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल सभी एलिजिबल है यहाँ पर पोस्ट भी आपकी अच्छी खासी होने वाली है इतनी भारी पोस्ट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खासी पोस्ट है टोटली सरकारी नौकरी है गवर्नमेंट जॉब्स होगी रेलवे में काम करने का मौका मिलेगा द पार्ट ऑफ जई जे जूनियर इंजीनियर पोस्ट या फिर टेक्निकल एसोसिएट ये दोनों पोस्टें एक ही होती है और बिल्कुल इसी टाइप की पोस्ट आपको जॉब्स मिलने वाली है सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी सैलरी की टेंशन आपको नहीं लेना है जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है लेटेस्ट स्टार्ट नाउ इससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो जल्दी से सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलती रहे और अपनी ड्रीम कंपनी जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं सो गाइस ये है ऑफिसियल नोटिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से आउट की गई है साउथ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर होता है सिकंदराबाद जोन यहीं से वैकेंसीज रिलीज की गई है एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट ये टेक्निकल एसोसिएट बिल्कुल जेई की पोस्ट जैसा ही होता है यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जैसी ओपन लाइन पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बेसिस तो कॉन्ट्रैक्ट है बट लेवल सिक्स की जॉब आपको मिलेगी यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल एस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है सबसे पहले की जो लास्ट डेट है तीस जून 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यह बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज मानी जाती है टेक्निक, टेक्निकल टेक्निकल एसोसिएट की मैं बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है और क्यों अच्छी खासी वैकेंसीज मैं बार बार बोल रहा हूं सो so ये रही वैकेंसी टेक्निकल एसोसिएट लेवल आ, की जॉब इसकी जो टोटली वैलिडिटी जो कि 19 नवंबर 2023 तक होगी अब इसमें क्या वैलिटी है जीएटी का इसका फुल फॉर्म हम बताएंगे बाद में सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि कितनी वैकेंसीज है सबसे पहले 35 पोस्ट पर वैकेंसीज है पोस्ट देख लो सबसे पहले सबसे पहले पोस्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्ट पे फोकस करना आ, पोस्ट है फर्स्ट ऑफ पोस्ट सिविल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है ये वर्क्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी है यानी कि वर्किंग डिपार्टमेंट में है जे टी जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इसमें टोटल वैकेंसीज है जो कि नूनीस पोस्ट पर वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिकल में ड्रॉइंग डिपार्टमेंट में है यहाँ पर जे की रिक्रूटमेंट इसमें टोटल दस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है नेक्स्ट है एस यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम इसकी भी ड्राॅइंग डिपार्टमेंट है जेटीए की भी रिक्रूटमेंट है ये है छह पोस्ट पर टोटल नंबर अगर पोस्ट देखा जाए तो थर्टी फाइव पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशनस सब देखना कि क्वालिफिकेश्स क्या होगी फर्स्ट ऑफ़ ऑल जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की तो इसमें क्वालिफिकेशन फोर ईयर की बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो सिविल में या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम बेसिस स्ट्रीम जो कि सिविल इंजीनियर हो आप अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज़ आपने डिप्लोमा भी कर रखी है सिविल इंजीनियर या फिर बीएससी एस सी सिविल इंजीनियरिंग तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं डिग्रीज भी एलिजिबल हैं डिग्री मतलब डिप्लोमा से अगर आपने बी किया हुआ है तो भी एलिजिबल है बाकी बात बी तो अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट तो फोर ईयर की बैचलर डिग्री मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें उसके बाद एस की रिक्रूटमेंट में तो एस में फोर ईयर की बैचलर डिग्री कर रखी हो आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर अपने एम भी कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस में तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि इसमें कंप्यूटर साइंस वालों को मौका दी गई है ये अच्छी बात है आप सभी के नेट के लिए ध्यान रखना कि आपकी मार्क्स कितना होना चाहिए जनरल कैटेगरी आप हैं तो 60 परसेंट ऑफ होने चाहिए अदरवाइज ओबीसी एनसीएल सी है तो 55 परसेंट चलेगा एसटी और एस सी हैं तो फिफ्टी परसेंट पर मार्क्स होनी चाहिए एज देखो जनरल के लिए अठारह से तैंतीस साल है ओबीसी के लिए तीन साल की रिलैक्सेशन मिलती है और एस वालों को यहाँ पर पाँच साल की एप्लीकेशन फ़ी पाँच सौ रुपया बिल्कुल रेलवे की तरह ही होगी एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी सभी कैंडिडेट का फाइव हंड्रेड लगेगा और जितने भी एस टी कैंडिडेट हैं या फिर विमेन कैंडिडेट हैं ओ को भी कम लगने वाला है ओ देख सकते हैं ढाई सौ रुपये लगेगा ओ बी कैंडिडेट का ओके और यहाँ पर जो होता है रिफंडेबल इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो डिमांड ड्राफ्ट के बनाने में आपको पेमेंट करनी होगी यानी कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है आपको डीडी बना के पेमेंट करना है और ये रेल नियम है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद इसकी हेड क्वार्टर जो है साउथ लल्लागुड़ा होता है यहीं से आपको जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा पाँच सौ रुपये और ढाई सौ की रिजर्वेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी सिलेक्शन के जरिए हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम्स होगा क्वालिफिकेशंस बेस करता है फिफ्टी फाइव परसेंट एंड आपका एक्सपीरियंस है तो थर्टी परसेंट और जो आपका पर्सनालिटी है इंटेलिजेंस वर्क करेगी इसका पंद्रह परसेंट ओके कई इसी के हिसाब से आपको जो है शॉर्टलिस्टेड की जाएगी एक्सपीरियंस भी मायने रखता है आप देख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है उसके हिसाब से फ्रेशर तो अप्लाई कर ही सकते हैं बट एक्सपीरियंस है तो ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे ना तो ये ज़रूरी है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से वर्क के हिसाब से सैलरी में बात करूँ तीन साल की ये जॉब्स होगी क्योंकि आपको पता है जितने भी कैंडिडेट हैं ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है और तीन साल की कॉन्ट्रेक्चुअल है फर्स्ट ईयर जेड क्लास में होती है जो कि पच्चीस हज़ार मिलेगी अगर वाई क्लास में मिलती है तो सत्ताईस हज़ार एक्स क्लास मिलती है तो आपको तीस हज़ार ओके गाइस अब इसमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं टर्म एंड कंडीशन देख लो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसी उन्नीस नवंबर दो तक कंडक्ट होगी आप अब बाकी बात जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं रेलवे की जॉब है सरकारी नौकरी है परमानेंट नहीं है सरकारी नौकरी है जो कि उन्नीस नवंबर तक वैलिड है आप अप्लाई करना चाहते हैं जा सकते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें और ये सब फॉर्म है फिल करो और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड करनी है गाइस तीस जून तक लास्ट डेट है जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है ऑफलाइन फॉर्म है ऑफलाइन भर्ती के जरिए आपको सेंड करनी है और डिमांड ड्राफ्ट आपको पेमेंट करनी है रेलवे की एप्लीकेशन की ओके तो जाओ जल्दी से अप्लाई करो कुछ डाउट होता है कमेंट करके बताओ होपफुली वीडियो इस पर लगी हो लाइक सर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले